एम क्यू एम के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कराची में मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे हैं, आपको बराह रास्त ले चलते हैं। उनके पास है, आज वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है और अब हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। आइए अपने घरों से निकलें, हमारे फौजी अपनी बैरिकों से निकलकर मुहावे जंग पे पहुंच गए, क्योंकि ये जंग भी है जहाद भी है, जुनूनियत के खिलाफ, जहालत के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ। और इस्लाम, प्यारे इस्लाम, हमारे दीन के नाम को खराब करने वालों के खिलाफ, उसको दहशतगर्द मजहब दिखाने वालों के खिलाफ ये जंग हमारे आने वाले नस्लों के लिए है। ये बोझ आज की नस्ल को उठाना चाहिए ताकि आने वाली नस्लों को ये जंग न लड़ना पड़े और ये नस्ल अपनी जिम्मेदारी पूरी करती हुई नजर आ रही है। हम बहैसियत मेंबराने एमक्यूएम के कारकुनान की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। हम उतने ही पाकिस्तानी हैं जितना पाकिस्तान में बसने वाला कोई और हमने हमेशा बढ़ चढ़कर पाकिस्तान की बका को, जब भी कोई खतरा है पाकिस्तान में, जब भी कोई मुश्किल वक्त पड़ा है, कोई मुश्किल घड़ी आई है, कोई उपाधियत आई है, एमक्यूएम अपने कायद के हुक्म पर सामने खड़ी रह गई। और अब ये आप खुद देख लें कि ये तारीखी मैदान एक तारीखी मरहले के लिए तैयारियों के मरहल में, स्टेज तैयार हो रहे हैं, कुर्सियां सजाई जा रही हैं, मैदान हमवार हो रहा है। ये मैदान हमवार होगा तो फिर वो राय भी हमवार होगी, जिसके तहत तमाम पाकिस्तानी यक जबान होकर दहशतगर्दी के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान की हिमायत में खड़े नजर आ रहे हैं। आप सबको यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। एमक्यूएम के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एमक्यूएम की जानिब से जो रैली निकाली जा रही है, जो जलसे का इनेकाद किया जा रहा है, वो पाक फौज से इजहारे यकजहती के लिए है, जिसकी तैयारियां मुकम्मल की जा रही है।